यहाँ तक आने की पहुंच जाऊंगी जल्दी तो नहीं था पॉडकास्ट में। मैं अब पहली लड़की थी जिसने यूट्यूब की जर्नी करना, उसे एडिट करना, इसके बारे में पूछता है। आप कुछ टिप्स बताइए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज ना कुछ डेली लाइव व्लॉग नहीं, बट एक चीज ऐसा यूनिक है कि आप वो देखने के लिए बरसों से इंतजार कर रहेंगे, तो वो निलूस किचन की जर्नी है। जर्नी के बारे में निलूस किचन आप बताएंगे। तो निलूस किचन क्या बोलना चाहते हो पब्लिक को हमारे? तो आज बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि आज हमारे पास देखिए एक और नई मैगजीन आ चुकी है जिसमें हमारा आर्टिकल आया है, और ये मेरी दूसरी मैगजीन है जिसमें निलूस किचन का आर्टिकल है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ इस जो मैगजीन है इसमें मेरी जर्नी के बारे में बताया गया है कि मैंने अपनी जो यूट्यूब की जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट की थी और मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया था इस यूट्यूब की जर्नी में। तो आज वो स्ट्रगल की, मेहनत की जो सक्सेस है वो आपके सामने है, यहाँ देख सकते हो। मतलब ये कुछ शेफ्स ने इनको दिया है, या आप इनको अगर शेफ को जानते हो ये कौन है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, है ना। तो निलूस किचन आप ये मैगजीन खोल के पब्लिक को दिखा दो एक बार कि कैसी क्या रही आपकी जर्नी। जी हाँ, तो ये जो मैगजीन है ये नॉर्मल रायपुर की जो लोकल मैगजीन है उसमें आया था। सबसे पहले मेरा इसमें ही नाम आया था। अच्छा, और इसमें मेरे रेसिपी के साथ साथ इसमें भी मेरे जो स्टोरी है वो पब्लिश हुई थी। बहुत सारे लोगों की बातें बताई गई है, जैसे जो सिलेक्टेड लोग हैं जो रायपुर के लिए कुछ कर रहे हैं उनका सारा इसमें आर्टिकल आया हुआ था जिसमें मेरा भी नाम सिलेक्ट हुआ था। तो ये रही नीलू, ये देख सकते हो इनका फोटो है, और ये 1 मिलियन गोल्डन प्ले बटन के साथ है ना, जो कि ये मिला था इनको, देख सकते हो। हाँ। तो निलूस किचन ये मैं आपसे आज पूछना चाह रहा हूँ, जब आप अपने पहली बार अपने इस गोल्डन प्ले बटन को अपने हाथ में पकड़े थे तब कैसा फील हुआ था आपको? सबसे पहले तो मैं रो पड़ी थी क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ना मुझे काफी समय लगा था। अच्छा। और मेरे लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जो ऑडियंस है मुझे इतना प्यार देगी और मैं इतनी जल्दी 1 मिलियन तक पहुंच जाऊंगी। जल्दी तो नहीं था शायद, 5 साल का सफर था आपका? नहीं, ये तो देखिए हार्डवर्क के ऊपर है। शुरुआत में मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। और मेरे मेमन कास्ट में मैं अब पहली लड़की थी जिसने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। ओके। और मुझे मतलब चैनल बनाने से लेके वीडियो शूट करना, उसे एडिट करना, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था दोस्तों। अच्छा। आज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारा जो चैनल है वो ग्रो नहीं होता है, आप कुछ टिप्स बताइए। या कभी कभी मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो फेक है या फिर आपने खरीदे हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आने के लिए मेरी अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी और इस मेहनत का ही नतीजा आप देख सकते हो। ये हमारी सेकेंड मैगजीन है। ओके। और इस मैगजीन में आप देख सकते हो, इस मैगजीन में गाइस देख सकते हो, मतलब हम जब सारे घर वाले की भी फोटो है इसमें, यहाँ पर देख सकते हो आप। और ये निलूस किचन जो कि 1 मिलियन, छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला चैनल है कुकिंग का जो कि 1 मिलियन कंप्लीट किया है जिसने निलूस किचन ने किया और जिसने गोल्डन प्ले बटन लिया है। ओके। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ तक आने का जो सफर है मैंने शायद पहले अपने लाइव वीडियो में कभी कभी शेयर किया था, बट डिटेल में मैंने कभी नहीं बताया था। तो आज मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में डिटेल में बताऊंगी, और जो लोग निराश होते हैं, जिनका चैनल नहीं बढ़ता है या जिनके चैनल पे व्यूज नहीं आते, वो ये वीडियो जरूर देखिए ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। तो गाइज मैं ना आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जब इनका एक पहला जो सबसे पहला वीडियो था वो शायद नारियल की मिठाई का था, और वो मेरे मामा जी के घर पे शूट हो रही थी, और मेरा पहला नया फोन था Oppo A37 था मे बी शायद, जो कि मैं एक दिन लेके आया था घर पे, और मम्मा ने बोला कि मेरे को यूट्यूब चालू करना है, तो वो वीडियो मेरे फोन से बनी। उसके बाद ना मैंने डर के मारे स्टोरेज फुल हो जाएगी करके वो वीडियो भी डिलीट कर दी। तो निलूस किचन क्या बोलना चाहते हो आप? तो शुरुआत में आपकी स्ट्रगल लाइफ कैसे रही, मतलब वीडियो बनाने का रीजन क्या था? जी हाँ, पहले तो मैंने अपने मतलब जैसे मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप कुकिंग क्लास स्टार्ट कीजिए। ओके। तो मैंने कुकिंग क्लास स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैं गई अपने वेकेशन पे, मैं के बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, तो वहां पर मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कीजिए। अच्छा। आप जब इतना अच्छा कुकिंग करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं? तब मैंने सिर्फ सोचा था और वीडियो जो था मैंने कभी बनाया नहीं था, शूट भी नहीं किया था। अच्छा। मेरे भाई ने कहा कि मैं आपका चैनल बना देता हूँ, तो मेरे भाई और उसके फ्रेंड ने दोनों ने मिलकर मेरा चैनल स्टार्ट किया,
और शुरुआत में हम लोग शूटिंग भी मतलब मैं नहीं करती थी और मेरे पास ऐसा कोई भी टूल्स नहीं था जिसपे मैं वीडियो शूट करवाऊँ, तो मेरे पास जो नॉर्मल फ़ोन था मेरा भी नहीं था, मेरे बेटे का था, तो उसके फोन से ही हमने पहला वीडियो शूट किए थे लगभग रात को 1 बजे। 1 बज नहीं रहा था, 3 बज रहे थे रात के उस दिन। हाँ देखिए 3 बज रहे थे और हमने लगभग 4-5 बजे तक वीडियो शूट किया था और जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करने वाले थे तब तक मोंटी ने उसे डिलीट कर दिया। हम लोग इतना गुस्सा किए उसके ऊपर, इतना हम लोगों ने उसे डांटा था क्योंकि बहुत मेहनत से हमने वो वीडियो बनाया था। दोस्तों आप जो वीडियो देखते हैं 3 से 4 मिनट का, उसे बनाने के लिए हमें पूरा दिन लगता है, मतलब आप सोच सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं। तो शुरू में जो लगभग 20 से 25 वीडियो थे वो मेरे भाई ने खुद शूट किए थे और उसे अपलोड किया था। वीडियो बनाने में स्ट्रगल क्या है ये वही बता रही हूँ। अच्छा, वहाँ से फिर जैसे मैं अपने ससुराल आई तब बच्चे छोटे थे और मुझे आइडिया नहीं था कि अब शूटिंग कैसे किया जाता है। अब मैंने सोचा कि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ूं और दूसरे हाथ से शूटिंग करूं, लेकिन दोस्तों ये इतने अच्छे से वीडियो नहीं बन रहा था क्योंकि जैसे मैं हाथ से ऐसा कुछ पकड़ के चलाती थी जैसे मोबाइल पकड़ के, तो वो सारी चीज़ें हिलती जाती थी। तो मैंने सोचा ये तो होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि मैं अकेली थी वीडियो शूट करने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, सारी चीज़ मुझे अकेले को हैंडल करना था। तो फिर मैंने YouTube पे देखा तो मुझे पता चला कि ट्राइपॉड आता है या फिर कोई ऐसा स्टैंड होता है जिसपे मोबाइल को लगाकर हम शूट कर सकते हैं। फिर मैंने एक ट्राइपॉड मंगवाया और उस पर मोबाइल रखकर मैं शूट करने लगी, बट वो इतना ज़्यादा हिलता था, जब भी मैं मोबाइल को स्टॉप करती थी या फिर वीडियो को पॉज करती थी तो वो इतना ज़्यादा हिलता था कि मुझे वहाँ पर भी ना कुछ समझ नहीं आता था। अब जैसे जैसे मैं वीडियो तो बना लेती थी लेकिन अब उसे एडिट कैसे करना है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब उसे कंप्लीट करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे रिसर्च की, फिर मैंने सीखा कि उसे एडिट कैसे किया जाता है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है और टैग डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें सीखते सीखते मुझे 2 साल लग गए। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे, मैंने अपनी जर्नी में पूरे 2 साल लगाए यूट्यूब को पूरा अच्छे से सीखने के लिए। और उसके बाद मैंने अपनी जैसे जर्नी स्टार्ट की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो धीरे धीरे करते हैं ना वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप भी इतना ज़्यादा मतलब पेशेंस से काम कीजिए और जितनी आराम से मतलब वीडियो अपलोड कीजिए, अच्छी डालिए, लेकिन आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि YouTube पे काम कैसे करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पास तो अच्छे अच्छे कैमरेज हैं, तो नहीं दोस्तों, मैंने शुरू में मैंने मोबाइल से ही वीडियो शूट किया था। अच्छा, और जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए थे तब तक मैंने फ़ोन से ही शूटिंग की थी। मतलब पूरे 1 लाख की जर्नी तक आप पूरे फोन से ही शूट किए थे। फिर मैंने लिया कैमरा, लेकिन कैमरा लेने के बाद तो मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे कैमरा चलाना ही नहीं आता था। जी हाँ दोस्तों, कैमरे में शूटिंग करना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल कैमरामैन बनना पड़ता है। तो वहाँ पर भी मैंने कम से कम 2 से 3 महीने में बहुत तकलीफ में गई, मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे शूट करते हैं। जैसे तैसे मैंने उसे भी सीख लिया, लेकिन लगभग 4 साल मैंने 200D जो कैनन 200D था शायद उसी से ही हमने शूटिंग की। हाँ। 4 साल मैंने खुद ने ही शूटिंग की। देखिए दोस्तों, जब आप YouTube पे आते हो ना तो आपको कुकिंग करने के साथ साथ आपको लाइटिंग की नॉलेज, कैमरे की नॉलेज, साथ में आपको प्लेटिंग की नॉलेज, साथ में आपको डायरेक्शन की नॉलेज, मतलब सारी चीज़ें सीखनी होती है और ये इतनी आसानी होती है। और वीडियो बनाना भी शायद मेरे ख्याल से आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपको, मैंने कमेंट में पढ़ा है कि हाथ जल गया आपका, तो रिसेंटली अभी आपका फिर हाथ जल गया। अभी देख सकते हो आप, देखिए ये वाली जो चोट है आप लोगों ने देखी थी, जो हाथ जल गया था जब मैं स्प्रिंग रोल की वीडियो बना रही थी तब मेरा हाथ जला था, और इसका दाग जो है अभी तक नहीं गया है। बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं कि मैम ये कैसे जल गया, तो मैं सारे लोगों को आंसर देती हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बनाते बनाते ये हो जाता है। और इसी के साथ देखिए अभी ये रिसेंटली अभी फिर से जल गया है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, फिर भी हम हमारे काम में रुकते नहीं हैं, कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियो बनाते ही
ही रहते हैं क्योंकि हमारे फॉलोवर्स हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमारी वीडियो कब आएगी। इसके लिए हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो दोस्तों, नीलूज़ किचन और नीलूज़ किचन ब्लॉग दोनों चैनल को आपको लाइक सब्सक्राइब और अच्छी वीडियो लगे तो उसे शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमें बताइए कि हमारे वीडियो में क्या कमी है। मतलब कमी किस चीज़ की है हमको ज़रूर बताना, तभी हम वो आगे सुधार कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे ऑडियंस नहीं बताएगी हम कैसे समझेंगे कि हमारी पब्लिक क्या चाहती है हमसे। जी हाँ। और दोस्तों, जैसे कि अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कुकिंग में शौक है, अगर आपको आर्ट में, फैशन में या फिर आपको जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग में, किसी में भी आप अगर आगे हैं तो उससे आप आगे लेकर आइए। क्योंकि हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, उसे जानिए, पहचानिए और उसे आगे बढ़ाइए। क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ अपने कामों में ही रह जाती है, कभी वो आगे बढ़ने का सोचते नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आप भी आगे बढ़िए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन हार्डवर्क जरूर कीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। तो मतलब आप क्या सोचकर YouTube में एक पहला वीडियो डाले थे, मतलब क्या आपकी माइंड में थिंकिंग थी जो आपने ये YouTube की इस मुकाम तक पहुंचे हैं? दोस्तों, आप लोगों को मैं अगर मेरी मैगजीन दिखाऊँ ना, तो इसमें साफ लिखा है कि मैंने बड़े बड़े कुकिंग शो और कुकिंग जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। और जब मुझे कोई मेडल मिलता था या कोई ट्रॉफी मिलती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और मैंने कुकिंग क्लास किस लिए स्टार्ट किया था बताऊँ आज? बताओ। तो मुझे ना मास्टर शेफ़ में जाने का बहुत बड़ा, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुकिंग क्लास स्टार्ट किया था। अच्छा। वैसे मुझे कुकिंग क्लास करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि मैं एक वेल बिजनेसमैन की वाइफ थी और मेरे घर में सब लोग मुझे डांटते थे क्योंकि उसमें भी काफ़ी मेहनत होती है। शुरू से लेकर शाम तक हम मुझे सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी मैं करती थी। और उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि अपने पैशन को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब मैंने फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे डाला था तब मैंने अर्निंग के बारे में या ऐसे कोई चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था कि आगे मुझे मिलेगी, या पैसे के बारे में कभी नहीं सोचा था। बस आपको फेम चाहिए था। फेम चाहिए था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना नाम आगे बढ़ाऊँ, लोग मुझे जाने। जैसे कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी पहचान बननी चाहिए। इसके लिए मैं YouTube पे आई थी। लेकिन ये पैशन मेरा कब मेरा प्रोफेशनल बन गया, मतलब यहाँ से मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो अर्निंग भी स्टार्ट हुई और मुझे यकीन भी नहीं था कि इसमें अर्निंग होती है। बस मैंने डालना शुरू किया, लगभग 3 महीने तक मुझे कोई अर्निंग नहीं मिली थी। अच्छा। 3 महीने के बाद मेरी 7000 रुपीज की अर्निंग। मतलब आप 3 महीने में अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिए थे। हाँ, मेरा फर्स्ट वीडियो था, इस मैगजीन में भी आया है, फर्स्ट वीडियो था फ्लावर समोसा जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। अच्छा। और उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। क्या प्रॉब्लम? जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना और अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मेरे जो अकाउंट डिटेल है उसमें हस्बैंड का अकाउंट नंबर था और नाम मेरा था। अच्छा। तो ऐसा नहीं चलता है, अगर आपका अकाउंट है तो आपका ही नाम चाहिए। YouTube ने इसे जब देखा तो उसने अपनी जो अर्निंग थी, जो उसने मेरे लिए जो मनी भेजा था वो उसने फिर से मंगवा लिया था, क्योंकि ये जो अकाउंट है वो उन्हें लगा फेक है। ओके। फिर मेरी जो मेरे फर्स्ट अर्निंग होती है ना, जो फर्स्ट अर्निंग, तो आपको अपने हाथ में जब फर्स्ट अर्निंग लिए तो कैसा लगा था, मतलब क्या फील हुआ था उस दिन, कैसा लगा था? उस दिन तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने जो मेहनत किया उसका ये नतीजा है, लेकिन उसे आने के लिए भी मुझे 3 महीने और लगे थे। अच्छा। वो 7000 रुपए के लिए आप 3 महीने भी वेट किए थे? हाँ, 3 महीने के बाद अर्निंग आई थी और फिर मैंने 3 महीने और वेट किया था, क्योंकि मैंने मेल किया YouTube को और कहा कि ये मैं ही हूँ और ये मेरे हस्बैंड का अकाउंट नंबर है, मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं जल्द से जल्द अपना अकाउंट नंबर उसमें ज्वाइन करूँगी, लेकिन वो मेरी फर्स्ट अर्निंग है, आपको वो भेजनी पड़ेगी क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है। Okay. तो YouTube एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है, उसने मेरी बात सुनी और उसने मेरी अर्निंग को फिर से मुझे भेजा। अच्छा। तब मुझे लगा कि यकीनन YouTube एक बहुत ही अच्छा ऐप है। तो इसी तरीके से ये मेरी जर्नी रही। और मेरे YouTube जर्नी के बारे में आपको क्या जानना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी। और आपको हमारे वीडियोस में क्या देखना पसंद है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात ये भी बता दो आपके सब्सक्राइबर्स को, जो ये आपका किचन है वो कितने में बना है कम्प्लीटली?
वो आप लोग को बताना है कि इस किचन की प्राइस क्या है। देख सकते हो गाइस, मतलब सोच सकते हो थोड़ा सा, मतलब पूरा इटालियन किचन है ये जी। हाँ, है ना। और ये स्पेशली नीलूज किचन के लिए ही बना था, और इसके जो डिजाइन, जो किचन डिजाइनर थे, उन्होंने काफी मेहनत करके इसे डिजाइन किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और इस नए चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।